वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर गेमिंग वीडियो। अच्छा तो भाई आज के सीन्स ऐसे हैं कि यार मैंने काफ़ी टाइम से मैं जब भी गेम की वीडियो अपलोड करता हूँ हमेशा पीसी पे खेलता हूँ जो अच्छी नहीं जाती, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि पीसी सही चलता नहीं है, गेम सही चलती नहीं है, सही रिकॉर्डिंग नहीं होती जो भी है। तो आज मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो आज मैं गेम खेलूँगा अपने इस इन्फिनिक्स पे, इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो है या iOS पे। तो ये गेम जब थी वहाँ पे 90 FPS आते थे। अभी रिसेंटली एक वाहिद दुनिया में फ़ोन लॉन्च हुआ है जिसके अंदर 90 FPS अबव चलती है गेम, और वरना 30 FPS लॉक आते हैं, हाई पे चलती है। अब इस पे खेलेंगे, अब 30 FPS स्टेबल अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड बात यह कि मेरा ऑल्ट अकाउंट है, मैं अपने मेन अकाउंट पे नहीं खेल रहा इस पे, क्योंकि यार भाई मुझे एक खेलना नहीं आता, ठीक है, सीधी सी जो बात है मुझे इस पे खेलना नहीं आता मोबाइल पे। आज हम ट्राई करेंगे, मैंने स्पेशल इस वीडियो के लिए डाउनलोड किया, हम जीरो बिल्ड खेलेंगे और ट्राई करेंगे कि हम पहले मैच के अंदर विन ले लें, क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। जीरो बिल्ड अभी लगाएंगे, बाकी आपको आवाज़ वगैरह ठीक आ रही होगी, मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे हैं, बल्कि आधा घंटा लगा है हर चीज़ को सेट करते हुए। पहले वेबकैम नहीं शोर था, वेबकैम शोर है, बड़ी अच्छी बात है। चलें अब बहुत बातें हो गई, आएँ गेम की तरफ चलते हैं और ट्राई करते हैं विन लेने की, और उम्मीद है आप ये मेरा गेम प्ले, मोबाइल का गेम प्ले इन्जॉय करेंगे। तो चलें मैच की तरफ चलते हैं। मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा था कि पिंग मेरी इतनी स्टेबल आएगी, काफ़ी स्टेबल आ रही है यार। मोबाइल पे खेलना इतना सौखा काम है, अगर आपके एफ पी एस स्टेबल ना आ रहे हो ना तो मैं कोई बात बता दूँ बहुत औखा काम। और हमारे साथ तो ये बड़ा कुछ होता है, बिल्ड तो नहीं है, बिल्ड नहीं है, जीरो बिल्ड है, सेट कर लिया। मेरे पास इस टाइम दो शॉट गन्स हैं, मुझे खेलना खास आता नहीं है, और लेट्स सी कि हम मोबाइल पर विन दे सकते हैं अकेले, देख लेते हैं भाई। गेम चल ठीक रही, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग हो रही तो थोड़े एफ पी ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, हर बात देख रहा हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, विन लेनी है यार क्यों भाइयों। बाय द वे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं मोबाइल पे, मैं ट्राई करूँ। मोबाइल गेमिंग इज़ द फ्यूचर यू नो, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, एटलीस्ट मैं अपने मुल्क की बात करूँगा, मैं दुनिया की बात नहीं करता, हमारे मुल्क के जो खासकर हालात चल रहे हैं इस पाकिस्तान के, पी सी अफोर्ड आर नहीं कर सकता है तो मैं नहीं कह रही टाइम बदल मारने। अच्छा बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता दूँ गेमर नहीं था वो, मैंने मार लिया उसको। तो अभी हम क्या करेंगे, विन लेंगे। खैर एक HP से कुछ नहीं होता, क्या है ये, जब मैंने थोड़ा बहुत सीजन ये खेला था मुझे इतना आइडिया तो है कि क्या सिस्टम है, पर्स वगैरह के बारे में मुझे पता है। पिस्टल बेहतर है, मैंने ये देखा है, हर कोई यही बोल रहा है कि पिस्टल बहुत बेहतर है, हर कोई से मुराद वही है मेरा कि जो लोग ये गेम खेलते हैं इसलिए। बाकी यार आप लोगों का आवाज़ कैसी आ रही है आज, मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया स्ट्रीम करके और जस्ट कनेक्ट करना, और कर गया काम कर गया, कोई इतनी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे जॉन सीना जा रहा है, जॉन सीना ओह नाइस, मेरा ख्याल है मैं स्कार को ड्रॉप करके मैं ये रेड आई उठा लूँ, क्योंकि यू नो रेड आई इज़ द बेस्ट गन यू नो। स्कार उन्होंने जितनी नर्फ कर दी है ना, आप लोगों को बताऊँ जितनी उन्होंने स्कार नर्फ कर दिया ना, ओए 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 मेरी गेम वेस्ट, ओए यार कल मैं एक मैच खेल रहा था उस पर पीसी पे ना, मैं आप लोगों को बताऊं हर जगह DMR मिल रही थी, पता नहीं क्या बस कर दिया था, तो स्पॉन रेट क्या सीन था, हर जगह वो पड़ी थी, क्या कहते हैं DMR, अभी भी देखें DMR नहीं थी, रेड आई तो कल मिली नहीं ना रही थी लोग। अच्छा जो लोग ये चेक करते रहते ना स्टैट्स वगैरह कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है और कौन सी नहीं यूज़ हो रही, तो उस लिहाज से आ रहा था कि DMR यूज़ ही कोई उठाता ही नहीं था, स्कार के भी वैसे इतना वो खास कोई नहीं उठा रहा था ना, क्योंकि यू नो क्रैश हो गई आज। तो चलें विन लेने की कोशिश करते हैं, अभी तक हमारे 4 किल्स हैं, खास कोई गेमर नहीं थे, एक बंदा आया स्लाइड मारते हुए, तब मेरी गेम को पता नहीं क्या हो गया अचानक क्यों फ्लक्चुएट कर गई। तो जिस टाइम आप ये गेम प्ले देख रहे हैं ना, मैं अभी इसको खेल रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको एडिट करने है, लेट्स होप कि हम इसी मैच के अंदर विन ले लें, क्योंकि भाई बड़ा मुश्किल काम है, आप नहीं समझ सकते मोबाइल पे फोर्टनाइट खासकर मोबाइल पे खेलना, वो भी 30 FPS, इट्स रियल डिफिकल्ट ब्रो, रियली डिफिकल्ट। ये मेरा आर्ट अकाउंट है बाय द वे,
जो मैं अक्सर पहले जब मैंने मोबाइल नया नया लिया था तो मैं इसी में खेलता था। बाय द वे लास्ट मेरे इन्फिनिक्स की मोबाइल से अच्छी चलती है, इसमें हाई ग्राफिक्स का 120 हर्ट्ज़ भी है ना, मतलब इन अ सेंस कि आपको स्मूथ फील होती है गेम और गेम बहुत सही चल रही है, बहुत सही चल रही है। खेलने वाले हैं वो लोग खेल सकते हैं इस पर इन्फिनिक्स के ऊपर। 3000 में कौन देता है आपको, खैर आप तो ग्रेट का काफ़ी हाई चले गए 68 का मिल रहा है, लेकिन उस लिहाज से आपको इसके अंदर, मैं स्पॉन्सर नहीं है लेकिन मैं यूज़ करने के अपने जो वो है ना एक्सपीरियंस उस लिहाज से बता रहा हूँ कि बहुत कमाल मोबाइल है। जिसने गेम के लिए मोबाइल लेना है और थोड़े बजट के अंदर लेना है 50-60 के अराउंड अबाउट मिल जाएगा, अच्छा डब्बा पैक मिल जाएगा भाई। इन्फिनिक्स पिछले 4 साल से यूज़ कर रहे हैं और इन्फिनिक्स ने कभी मायूस नहीं किया। ये अर्जुन की 0 सीरीज़ है ना, 0 सीरीज़ बहुत कमाल है। ओए बंदा 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 उतर उतर उतर, बात किधर है, मैं भी आ रहा हूँ। भाग रहा है भाई से, पंगा है भाई से, पंगा लेके और फिर भागना ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। अनकम्फर्टेबल नहीं है ये आपको मैं कहूँगा कि भाई बहुत कमाल फोन है इन्फिनिक्स, किधर से मार रहा है, मार गया। वो है वन शॉट है। तेरी हेल्थ लो है तो अभी मुझे चैलेंज कर रहा है। मेरा एक बात जरूर है कि यार भाइयों ये जो है ना 30 FPS के ऊपर एम लेना ना, खासकर इस तरह की गेम में थोड़ा टफ आए, किल्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मोबाइल लॉबी का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपका लेवल खास ज़्यादा ना होना तो आपको मोबाइल लॉबी आती है, बड़ी अच्छी बात है, हकीकत बात है। आप किसी पीसी प्लेयर के साथ खेल लो ना मोबाइल लॉबी पे, और ये हैमर लेके और ये रेड आई पड़ी है, और ये बंदा किसे लड़ रहा है, अरे चल लो सारे लो थे, मज़ा आ रहा है यार टाइम पास सारे पी ले, यही एक ही थी। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, वियर्ड हो सकता है लेकिन एक मज़े की बात यह है कि रात में सपना आया कि मैं फोर्टनाइट खेल रहा हूँ, आइटम शॉप का रीसेट हुआ है। असल में जो अब पाकिस्तान का टाइम है ना, अब तो पाकिस्तान फोर्टनाइट का जो शॉप रीसेट टाइम है उनके लिए तो वो शाम के 7 बजते हैं ना, मतलब रात के 7, हमारे यहाँ पे बजते सुबह के 5, क्योंकि सपने के अंदर ना मैं गेम खेल रहा हूँ और सुबह के 5 बजे मैं गेम खेलने को तो खेल सकता हूँ लेकिन मैं टेक्निकली क्यों खेलूँ। खैर बैक टू द पॉइंट कि मैं गेम खेल रहा था और आइटम शॉप रीसेट होने वाली थी, 2 मिनट रहते थे और मैं मैच से वापस आके ना शॉप रीसेट का वेट कर रहा हूँ और उसके अंदर आता है फ्रेश इमोट। तो ये वाला इमोट आया, मैं कहा यार भाई ये इमोट, और वो मैंने ख़रीद लिया और अगले 5 मिनट बाद ना वो इन्होंने आइटम शॉप से निकाल दिया। जैसे वो पिछले क्रिसमस ये जो इनके आता है ना इवेंट, विंटर इवेंट से पहले ना आया था ना, कुछ 2 इमोट आए थे जो बड़े रेयर थे और आइटम शॉप में आए घंटे बाद उन्होंने उनको वो रिमूव कर दिया आइटम शॉप से, उसी तरह। और वो जब मेरे ख़रीदने के 5 मिनट बाद वो रिमूव हो गया, मैंने कहा चलो मैंने ख़रीद लिया और फिर पता लगा सपना था, बड़ा ही नहीं हुई। अच्छा हम जैसे बॉट्स के लिए ना, मतलब मेरे जैसे वो ना आपका बेस्ट है मोबाइल में, ओए रिमूव आए क्या, ओए मेरी हेल्प नहीं है भैया मर गए, लड़ो 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 क्या बात, विन हो गई। अरे वाह लोडिंग स्क्रीन मिली है, बैटल पास मैंने इस पे लेना नहीं है, फ्री एक्सलाइडर इसी बात, एक मिनट ड्रोन मिल गया आपके भाई को, लॉबी आसान थी मतलब बॉट लॉबी नहीं थी,
आसान लॉबी, क्राउन बोर्ड लॉबी पे नहीं मिलता, ये बात याद रखना। चलें, उम्मीद है आपने आज की ये वीडियो इन्जॉय की होगी। पीसी ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने खेलते हुए। मैं सोच रहा हूँ आगे अगली जो कुछ गेम की वीडियोज़ आएँ, नई गेम्स ट्राई करते हैं मोबाइल पर और मोबाइल की गेम ही खेलते हैं। बाकी एपेक्स लेजेंड मैं सोच रहा हूँ ट्राई करूँ, अगले एपेक्स पे बनाते हैं वीडियो, क्या कहते हैं आप लोग? साल खत्म होने वाला है भाइयों, 7-8 दिन रह गए हैं 200 सब्स पहुँचा दें हमें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।